दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मनुष्य जन्म लेने के तुरंत बाद ही क्यों चल पाता और हमारे ब्लड के अलग अलग प्रकार क्यों और कैंसर के मरीज के बाल क्यों झड़ते हैं, जानने के लिए बने ना वीडियो एंड तक। नंबर 7 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कैंसर के मरीजों के बाल क्यों झड़ते हैं। दोस्तों असल में कारण है कि कैंसर के मरीजों को ठीक करने के लिए डॉक्टर केमोथेरेपी दवाओं का उपयोग करते हैं। केमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को तेजी से नष्ट करता है और उन दवाओं का असर शरीर पर भी होता है जिसके कारण बाल झड़ जाते हैं। नंबर 6 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे रक्त के अलग अलग प्रकार क्यों। हमारा ब्लड दिखने में हमें लाल एक जैसा ही दिखता है पर वास्तव में हमारे रक्त में मुख्य 4 प्रकार है। ब्लड ग्रुप की खोज 1901 में कार्ल लेजिस्टनर नाम के एक ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक ने की थी जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जिसको ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहा जाता है। हमारे रक्त के अलग अलग प्रकार हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक निश्चित प्रकार के प्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है जिसको एंटीजन कहा जाता है। अगर लाल रक्त की सरफेस पर ए एंटीजन हो तो वह ए टाइप से ब्लड है। अगर लाल रक्त की कोशिकाओं पर बी एंटीजन है तो वह बी टाइप से ब्लड ग्रुप है। अगर लाल रक्त की कोशिकाओं की सरफेस पर ए और बी दोनों एंटीजन है तो वह AB टाइप से ब्लड ग्रुप होगा। अगर लाल रक्त की कोशिकाओं की सरफेस पर ए और बी दोनों एंटीजन नहीं है तो वह ओ टाइप से ब्लड ग्रुप होगा। तो दोस्तों यही कारण है कि हमारे सभी के ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। नंबर 5 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मनुष्य दिन के बजाय रात में क्यों सोता है। यह सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर हमें रात को अच्छी तरह से नींद क्यों आती है, इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल प्रकाश हमारी नींद पर असर करता है पर जब रात को अंधेरा होता है तब मेलाटोनिन हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न एक हार्मोन है। हमारा मस्तिष्क का मेलाटोनिन नामक एक रसायन बनाता है जो हमें नींद देता है। रात में अंधेरा होने के कारण मेलाटोनिन हमारे मस्तिष्क को संकेत भेजकर हमें नींद के लिए प्रभावित करता है। यह संकेत भेजने पर हमारा शरीर शारीरिक रूप से रिलैक्स होकर नींद लेने के लिए प्रभावित होता है पर हमें रात के दौरान नींद आती है। सुबह मेलाटोनिन का स्तर कम होता है, दिन भर उसका स्तर कम रहता है। जब रात होती है अंधेरा होता है तो उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता है और हमें नींद के लिए प्रभावित करता है। इसलिए हमें अच्छी सी नींद के लिए अंधेरे की आवश्यकता होती है और यही कारण है कि हम रात को अच्छी तरह से नींद ले पाते हैं। नंबर 4 दोस्तों क्या आप जानते हैं मनुष्य जन्म लेने के तुरंत बाद ही क्यों नहीं चल पाता। ज्यादातर स्तनधारी जीव इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जो अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उनके बच्चे तुरंत ही चलने लगते हैं। आपने यह तो जरूर सुना होगा कि मनुष्य पहले 2 पैरों पर नहीं बल्कि 4 पैरों का उपयोग करते थे जैसे जानवर चलते हैं। धीरे धीरे समय बीतने पर मनुष्य 2 पैरों पर चलने लगा। 2 पैर पर चलने पर वह कम ऊर्जा उपयोग करके दूर तक तेजी से जा सकता था। 2 पैर पर चलने के कारण धीरे धीरे समय बीतने पर मनुष्य के शरीर में थोड़े थोड़े बदलाव आए। मनुष्य का दिमाग बड़ा होता गया इसलिए मनुष्य विकसित होने वाले मस्तिष्क के साथ जन्म नहीं ले सकता। इसलिए मनुष्य का दिमाग जन्म लेने के बाद भी पूरी तरह से विकसित नहीं होता जबकि दूसरे प्राणियों के बच्चों का दिमाग विकसित होते हैं। और 2 पैरों पर चलने के लिए उतना दिमाग तो विकसित होना जरूरी होता है जो अपने शरीर को चलते वक्त नियंत्रित कर सके। मनुष्य का मस्तिष्क 1 साल बाद उतना विकसित हो जाता है जो अपने शरीर को बैलेंस से कर सके। इसलिए मनुष्य जन्म लेने के बाद तुरंत चलने में असमर्थ है। नंबर 3 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मटके में रखा पानी आगे ठंडा क्यों रहता है। इसके पीछे का कारण यह है कि मटके में रखा पानी वाष्पीकरण की क्रिया से ठंडा रहता है और जितना ही वाष्पीकरण अधिक होता है उतना ही पानी ठंडा रहता है। मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे छेद होते हैं, इन छेदों से मटके का पानी बाहर आता है और बाहर की गर्मी से भाप बनकर उठ जाता है। ऐसा होने से मटके के अंदर का तापमान काफी कम रहता है। खास बात यह है कि यह वाष्पीकरण की क्रिया जब ज्यादा गर्मी होती है तब होती है। ऐसे में गर्मी में मटके के बाहर गर्म हवा लगने से मटके के अंदर का पानी ठंडा रहता है। मटके के अंदर का ठंडा पानी आपके स्वास्थ्य को नुकसान भी नहीं पहुंचाता और इससे प्यास भी बुझती है। नंबर 2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना पुराना है। साल 1806 में इस बैंक की स्थापना बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से हुई थी जो बाद में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया। 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास एक साथ मिल गए जिसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया। आजाद भारत में 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। नंबर 1 एरोप्लेन में ये लाइट किस लिए होती है। अधिकांश कमर्शियल एरोप्लेन में उनकी एक पंख पर हरी लाइट और विपरीत पंख पर लाल लाइट होती है। लाल लाइट हवाई जहाज के बाएं पंख पर स्थित होती है जबकि हरी लाइट हवाई जहाज के दाहिने पंख पर स्थित होती है। यह लाइट विमान किस दिशा से आ रहा है और किस दिशा जा रहा है वह दूसरे विमानों के पायलटों को समझाने में मदद करती है ताकि आकाश में बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।